सौम्या। तो आज हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का वीडियो फिर से मैं शाम से ही शुरू कर रही हूँ, बाजार से भी आए हैं कुछ सामान लेके। चलिए, उसमें एक सामान में समोसा भी है, चलो समोसा निकाल देते हैं और चाय बनाते हैं और वीडियो कंटिन्यू करेंगे कल तक संडे से, क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे में हनुमान जी की तरह रेड रेड पहन लिए हैं। चलिए मिलते हैं बाद में। आज मैंने फिर से साड़ी पहना हुई थी, वो साड़ी पहने हुए क्योंकि अभी गए थे बाजार मार्केट, गए थे सब्जी वगैरह लाने, क्योंकि अभी जो है ना साड़ी कभी कभी पहननी चाहिए क्योंकि साड़ी हो जाता है रखे रखे बर्बाद। तो देखिए बाजार से क्या क्या लाए, समोसा है, चटनी, समोसा। तो आज सैटरडे आज भूजा का दिन था, लेकिन भूजा नहीं ला के हम लोग लाए हैं समोसा। आप ये देखिए आज समोसा खाएंगे क्योंकि भूजा आज नहीं मिला। और ये लेके आए हैं, ये क्या है, ये टॉर्टिला चिप्स है, ये देखिए मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो वो लेके आए हैं। और नेनुआ तुरई जो बोलते हैं वो लेके आए हैं। और लाए हैं आइसक्रीम, तो चलिए समोसा निकाल देते हैं और ले देते हैं समोसा। काम कर रहा है, देखिए समोसा निकाल दिए हैं, चटनी भी निकाल देते हैं। और हमारे पटना में ना इतने बड़े बड़े समोसे मिलते हैं। चलिए और मैंने सोचा है कि मैं साड़ी कभी कभी पहनूंगी क्योंकि रखे रखे साड़ियाँ जो है वो ख़राब होती है, और इसी तरह की साड़ी पहन सकते हैं घर में और चमक धमक वाली तो पहनने। तो चलिए फ्रेंड्स, समोसा निकाल लिया, उसकी पिक्चर क्लिक की और इसमें लगा दिया है, तो अच्छा लगता है ना, टेस्टी लगता है समोसा। कैसा लगता है आप लोग को बताइएगा। समोसा तो सबको अच्छा लगता है, आई थिंक बाबू को 150 समोसा दे रहे हैं क्योंकि आलू नहीं खाती है, इसमें से भी आलू निकाल देगी। और देखिए यहाँ का आलू में मसाला कुछ नहीं रहता है, उसका सिर्फ हरी मिर्च पर रहता है, देखिए ये मिर्च है तो नुकसान ज़्यादा नहीं करता है, वैसे तो समोसा है तो थोड़ा बहुत तो है होएगा ही। चलिए दे देते हैं बच्चों को। और समोसे के साथ है मीठी चटनी जो वही समोसा वाला ही बनाता है, और ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। चलिए दे देते हैं बच्चों को। मैंने खा लिया। और मैं जब तक लोग समोसा देने जा रही थी ना, देखिए बाबू क्या कर रही है, इसकी मस्ती हमेशा चालू रहती है और इसे मालूम है कि मोबाइल कहाँ है और कहाँ इसको अपना फेस दिखाना है। ये देखिए अभी मुझे देखिए तो फिर वापस गई है, गर्मी बहुत है। और अभी चढ़ा देते हैं चाय और हम लोग खाएंगे चाय समोसा, बच्चे खा रहे हैं चटनी और समोसा। तो फ्रेंड्स रात हो गया है, डिनर का समय हो गया है, सब्जी तो बना ही लिए थे, दूसरी तरफ कढ़ाई में सब्जी है और रोटी बना लेते हैं फटाफट से। और वीडियो पे जो आते हैं प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, न्यू है वो, और जो पुराने हैं तो वीडियो कम से कम 3 मिनट तो देख ही लीजिएगा, और जो नए आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, कपड़े वगैरह धुल दिए हैं और ये अंकित का बैग है, धूप में डाल देते हैं, ये भी धुल दिए हैं, अंकित का बैग टांग दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए पता नहीं क्या फल है, अगर आप पहचान सकते हैं तो बता दीजिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या, कद्दू है, कोहड़ा है, नेनुआ है, जुगनी है, पता नहीं क्या है, परवल है, बताइए कि तरबूज फल रहा है हमारे, अभी तक पता नहीं चल रहा है किस चीज़ का पौधा है, पता नहीं क्या है, इसे छोड़ दिए, बढ़ेगा तब पता चलेगा, बहुत गर्मी लग रही है पैर में, बहुत तेज की धूप है और आजकल जो ट्रेंड पे है ना, एक फोड़ देते हैं धूप से ज़मीन गर्म हो जाता है, तो एक की बर्बादी क्यों करना है, गर्म है तो है रही, कोई भी खाने का चीज़ तो नहीं पकेगा, इतना तो तय है, चाहे जितना भी गर्म हो। वैसे हमारी तुलसी मैया
ये भी अच्छे से हो रही है। तुलसी का डाल मैंने लगा दिया था, वो भी लग गया है। अभी प्लांट्स और भी कुछ लगाने, लेकिन थोड़ी सी परेशानी कुछ चल रही है जिसके कारण मन नहीं करता अभी कुछ भी करने का। तो ये देखिए, क्या पता क्या चीज़ का पौधा है। मुझे पहले लगा ये करेला है, उसके बाद लगा कद्दू है, लेकिन ये क्या, अगर कोई जानकार होंगे तो उनको मालूम होगा। इसके ऊपर रोए हैं छोटे छोटे से, पता नहीं किस चीज़ का। मुझे लगता है नेनुआ वगैरह में तो रोया नहीं होता है, ना लौकी में होता है, पता नहीं किस चीज़ का है कि जंगली है। अब ये बड़ा होगा तब पता चलेगा, अभी तो छोटा है। और बहुत सारे लगे हुए छोटे छोटे से कि तरबूज है, पता नहीं क्या है, देखते हैं क्या है। अभी हमने छोड़ दिया है इसे, जब बड़ा होगा तो पता चलेगा। बच्चे में पता नहीं चल रहा है इसका व्यवहार के बारे में, है ना। इंसानों में भी बड़े होकर ही व्यवहार पता चलता है, और पेड़ पौधों में भी, और जानवरों में भी बड़े होकर व्यवहार पता चलता है। तो दिखने में तो सबको क्यूट लगते हैं छोटे में, बड़े में पता चलता है कौन कैसे होंगे। ये देखिए, लग रहा है ना तरबूज की तरह या फिर परवल की तरह, पता नहीं क्या है, अभी पता चलेगा। मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा कि ये परवल जैसा लग रहा है, देखते हैं क्या है, आपके साथ शेयर करूंगी। एक और पहले हुआ था तो बेल के, अंकित जो उसको तोड़ दिया था। ये देखिए बेल, कितना सुंदर सा पेड़ है हमारा बेल का। देखिए यहाँ बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा लगता है, और बेल का पत्ता देखिए कितना बढ़िया सा हुआ है। बरसात के दिन में बड़ी हरियाली होती है सब जगह ना, अच्छा लगता है। तो कल का वीडियो मैंने शाम से ही शुरू किया, रात तक ख़त्म कर दिया फिर थोड़ा बहुत करके। और अभी का वीडियो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, थोड़ा सा वीडियो है क्योंकि मन थोड़ा सा है ना अशांत है उस कारण से, और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, सर्दी खांसी जैसा हो गया है। देखिए इतने सारे कपड़े जो है बाहर मुझे धूप में डालने हैं, कपड़े धुल के स्पिन कर दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का आज हम यहीं पर एंड करते हैं। रखिएगा अपना पूरा ख्याल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओम साई राम, साई राम। सबका भला करेंगे। और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और ये सबके साथ हो रहा है, मतलब सर्दी जुकाम वाला जो प्रॉब्लम है ना सबके साथ हो रहा है। मुझे भी वही लग रहा है, सर दर्द कर रहा है, और सर्दी सा मन लग रहा है, आँख भी भारी भारी सा लग रहा है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना है, बाय बाय, टेक केयर। ओम साई राम, साई राम। सबका भला करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। राधे राधे सबको, साई राम सबका भला करेंगे।